ये जो मिडिल ईस्ट में खेल शुरू हुआ है, इस खेल के बाद अब भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। और आपको बता दूं, क्या भारत में भी महंगाई बढ़ेगी या भारत हालात को संभाल लेगा, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने अब फ्रांस पहुँचते ही एक बड़ा खेल किया है। अमेरिका के लिए ये बड़े झटके से कम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी क्या है, इजराइल ने गाजा में अपने काम खत्म किए हैं और उसके बाद लेबनान की तरफ बढ़ गया है। लेबनान में काम खत्म किए हैं या फिर अभी चल ही रहा है, पर इसी बीच वो यमन के हुती विद्रोहियों के ऊपर भी हमले कर रहा है, क्योंकि यमन के हुती विद्रोहियों ने चेतावनी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे और इसका बदला बहुत जोरदार होगा वगैरह वगैरह, जैसा ये लोग अक्सर बोला करते हैं। तो यहाँ इजराइल ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब इजराइल के इस एक्शन का एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा असर है और ये पूरी दुनिया को पड़ेगा। अभी इजराइल ने क्या किया है, यमन के पोर्ट होदिया देह और रास ईसा को इसने अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सबसे पहले बंदरगाह को निशाना बनाया गया है ताकि यहाँ से फिर वो किसी तरह का सप्लाई हासिल ना कर सके। मतलब कुल मिलाकर अगर मैप को देखें तो इस मैप में आपको यमन हो गया या फिर लेबनान हो गया, ये सारे इलाके कहीं ना कहीं युद्धग्रस्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के लिए चैलेंज ये है कि ये मुख्य रास्ता भी है व्यापार का। पहले तो लाल सागर का क्राइसिस था ही, अब दिक्कत क्या आ गई है, पहले क्या था, इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर ज्यादा हमले हो रहे थे। हालांकि कहा तो जाता है कि और देशों पर भी हमले होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने अपना रास्ता बदल लिया और अफ्रीका के रास्ते ही आने लगे और उसकी वजह से इनका खर्चा भी बढ़ने लगा। तो यहाँ अब मुश्किल ऐसी है कि ये हमले अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट का ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है। अभी कम से कम एक साल जरूर चलने वाला है। देखते देखते गाजा का जो मामला था वो भी ऐसा ही हुआ और अब मिडिल ईस्ट के बाकी जो भी देश और जो भी जगह पे ये सारी कहानी शुरू हुई है उनके साथ भी लगता है ऐसा होने वाला है। यानी कि दुनिया के पास एक बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन को बनाए रखना, और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे सप्लायर्स के लिए दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का जो सप्लाई होता है वो अब बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। ये चिंता ईरान समर्थित गुटों पर इजरायली हमलों के बाद से बढ़ी है। सोमवार को ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। जो कल तक $71 प्रति बैरल था वो आज 72 हो गया और माना जाता है कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। भारत के लिए टेंशन की बात क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है बल्कि परिवहन, उद्योग, कृषि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, विदेशी देशों पर निर्भर है। पर अभी के लिए क्या सीन है, भारत दुनिया के कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है। अब इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की हो गई है, अपने कुल आयात का लगभग 35% रूस से लेने लगा है। इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भी उसे तेल निर्यात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार क्रूड पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तुरंत से तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर जैसे तेल की दामों में बढ़ोतरी होगी और दूसरी चीज ये कि सप्लाई कहाँ से करेंगे। अगर दूर का रास्ता पकड़ते हैं,
अब तो ज्यादातर हो जाएगा जब तक ये सारे मामले खत्म नहीं होते हैं तो सप्लायर्स दूर का रास्ता पकड़ेंगे। अब सारे सप्लायर्स अगर दूर का रास्ता पकड़ना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया सीधे सीधे प्राइस में बड़ी उछाल आएगी और वो भारत को संभालना होगा क्योंकि ढुलाई का खर्चा भी बढ़ जाएगा। खैर, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है इस युद्ध के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अमेरिका के साथ संबंधों को अच्छा कर रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका के साथ आपके संबंध जमीनी तौर पर कितने अच्छे हैं। एक समय था जब फाइटर जेट इंजन की डील हुई थी, तब क्या कहा था लॉयड ऑस्टिन ने, भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन की डील एक क्रांतिकारी डील है। ये कहा था डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने। कब कहा था ये, जो कटिंग है ये है 18 अप्रैल 2024 को, लेकिन पहले अगस्त में मिलने वाला था। अगस्त से सितंबर हुआ, सितंबर से नवंबर हुआ और सच मानिए नवंबर भी ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्रॉस करने वाला है क्योंकि कई सारे नखड़े शुरू हो चुके हैं। जीई एरोस्पेस कह रहा है कि हम अभी भी एचएएल के साथ बातचीत कर रहे हैं, तेजस एलसीए इंजन के सप्लाई को लेकर जो डिले हो रहा है इसको लेकर हम इश्यूज पर बात कर रहे हैं, F404 इंजन हम आपको देने वाले हैं। हालांकि अब ये भी वादा ये कह रहे हैं कि MK2 के लिए भी हम आपको F414 इंजन देने वाले हैं। अब ये सारे वादे कागज पे रह रहे हैं लेकिन हकीकत पे उतर कर नहीं आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, द यूरेशियन टाइम्स का ये आर्टिकल है। तब ये माना गया था कि शायद LCA तेजस और MQ-9 ड्रोन को लेकर एक फाइनल मेगा मिलिट्री डील हो जाए और चीजें आ जाए बाहर। बातें हुई लेकिन यहाँ पर भी गोलमटोल चीज हुई। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह के वहाँ जाने पर कुछ डील नहीं हुए, कुछ डील हुए, लेकिन जो खास मकसद था, आपको अगर अभी प्यास लगी है तो कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है, आपको पानी चाहिए। कुआं खोदते खोदते तो चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट घर में घुस जाएंगे। इसलिए भारत चाह रहा था कि तेजस विमानों की डिलीवरी होनी शुरू हो, अपने फाइटर जेट पर हम अगर आश्रित रहेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। किसी और के ऊपर आश्रित रहने के बाद कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कोई पार्ट सटक जाएगा, ये सारी चीजें चलती है। ऐसे में भारत यहाँ जोर दे रहा था। राजनाथ सिंह के अमेरिका जाने का मकसद भी यही था, लेकिन वो मकसद भी जमीनी तौर पर पूरा होता हुआ नहीं दिखा। जो भी हो रहा है वो कागज में हो रहा है, जमीन पे नहीं हो रहा है। इसी बीच आप समझ लीजिए, अगर डोभाल की एंट्री होती है किसी चीज को लेकर तो मैटर बड़ा है। और ये देखने को मिल रहा है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दूसरी चीज ये है फ्रांस का दौरा इनका आज का बहुत खास है। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2 दिन का ये दौरा है। इस दौरे में पहुंचने से पहले ही अजीत डोभाल के, एक तो फ्रांस ने राफेल मरीन जेट के दाम कम कर दिए हैं ताकि ये डील फाइनल हो। साथ ही साथ फ्रांस यहाँ पर 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की डील करने को भी तैयार है और सबमरीन्स की डील करने को भी तैयार है। फ्रांस ने जो रूप दिखलाया है मरीन जेट के दाम कम करके, ये भारत के प्रति है कि हाँ जी, हम सचमुच में आपके साथ डील करना चाहते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल वहाँ पहुँचे हैं तो ये डील पक्की होगी और ये डील भारत के लिए ना बहुत 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 जरूरी थी। आज के समय में कहें कि डोभाल फ्रांस के साथ अगर ये सारी डीलें करके आते हैं तो ये डील समझ लीजिए गेम चेंजर है। शायद अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाना चाहता था, वो दबाव भी भारत अपने ऊपर से हटा पाएगा। दूसरा, जो चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है भारत कि हाँ भाई, कल को अगर युद्ध शुरू हो गई तो हम रेडी नहीं है फाइटर जेट के मामले में, उसे भी दूर कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।